इस कहानी की शुरुआत होती है डेलरिगो नाम के एक आदमी से, जो पिछले कई सालों से कार्टिया नाम की एक लड़की की तलाश में लगा हुआ था। कार्टिया एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट की बेटी है, जिसका नाम था पीटर लिटवेंको। आज से कई साल पहले पीटर ने इंसानों पर एक एक्सपेरिमेंट किया और उनके डीएनए को मॉडिफाई करके उन्हें सुपर ह्यूमन बना दिया। इन सुपर ह्यूमंस को हिटमैन एजेंट कहा जाता और हर एक एजेंट को एक खास नंबर डेडिकेट किया जाता, जैसे कि एजेंट 01, एजेंट 02, एजेंट 03 एंड सो ऑन। ये एजेंट किसी भी आम इंसान से कई गुना बेहतर थे, क्योंकि ना तो इनके पास कोई फीलिंग्स थी और ना ही इन्हें कोई दर्द महसूस होता, और तो और इनका दिमाग किसी भी आम इंसान से 100 गुना तेज था। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि बहुत जल्द सरकार को इस एक्सपेरिमेंट की भनक लग गई। अब पकड़े जाने के डर से पीटर ने इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया और रातों रात ये देश छोड़कर फरार हो गया। अब देखते ही देखते 25 साल गुजर गए और अब 25 सालों बाद सिंडिकेट नाम की एक मेडिकल कंपनी ने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से शुरू करने का फैसला किया। लेकिन बहुत जल्द उन्हें एहसास हो गया कि डॉक्टर पीटर के बिना इस काम को अंजाम दे पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए सिंडिकेट कंपनी के मालिक ने डेलरिगो नाम के एक आदमी से कॉन्टेक्ट किया और उसे डॉक्टर पीटर को ढूंढने को कहा। लेकिन जब काफी कोशिशों के बाद भी डेलरिगो को पीटर का पता नहीं लगा, तो वो उसे छोड़कर उसकी बेटी कार्टिया के पीछे लग गया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि कार्टिया उसे पीटर तक पहुंचा सकती है। अब सालों की मेहनत के बाद डेलरिगो ने कार्टिया को ढूंढ लिया, जो कि जर्मनी के एक छोटे से शहर में मौजूद थी। लेकिन अभी वो इस बात की जानकारी सिंडिकेट के मालिक को देता, उससे पहले किसी ने उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया और उसके सीक्रेट बेस पर अटैक कर दिया। ये देखकर डेलरिगो के बॉडीगार्ड्स फौरन एक्शन में आ गए और उसे गाड़ी में बिठाकर एक सेफ हाउस की तरफ निकल गए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कोई उनकी हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। अभी वो कुछ समझ पाते कि तभी वहां एक धमाका हो गया और इनकी 3 में से 2 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ये देखकर बॉडीगार्ड्स ने अपना रास्ता बदल दिया और बचते बचाते डेलरिगो को एक सेफ हाउस तक पहुंचाया। अब सेफ हाउस पहुंचते ही डेलरिगो सीधा कंट्रोल रूम की तरफ भागा, ताकि वो इस पूरे सिचुएशन के बारे में पता लगा सके। लेकिन अंदर आकर उसने देखा कि किसी ने उसके दोनों गार्ड्स को पहले ही मार दिया है। अभी वो कुछ सोच पाता कि तभी उसके बाकी गार्ड्स भी मारे गए और तब उसकी नजर रूम में बैठे एक आदमी पर गई। ये आदमी एक हिटमैन एजेंट था, जिसका नाम था एजेंट 47। यहाँ 47 ने उससे कार्टिया का पता पूछा, लेकिन डेलरिगो ने उसे कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। पर जब 47 ने उसे जान से मारने की धमकी दी, तब डेलरिगो ने डर के मारे सब कुछ उगल दिया। अब कार्टिया की लोकेशन मिलते ही 47 ने कमरे में एक धमाका कर दिया और डेलरिगो को जान से मार डाला। इधर सिंडिकेट कंपनी के मालिक को भी ये खबर लग गई कि फिलहाल कार्टिया जर्मनी में मौजूद है, और इसलिए उसने अपने एक खास आदमी को जर्मनी भेजा, ताकि वो कार्टिया को किडनैप करके उसके पास ला सके। वहीं दूसरी तरफ हम कार्टिया को देखते हैं, जो कि जर्मनी की एक लाइब्रेरी में बैठकर डॉक्टर पीटर यानी कि अपने पिता को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब दुनिया भर के लोग कार्टिया को इसलिए ढूंढ रहे थे ताकि वो उन्हें पीटर तक पहुंचा सके, लेकिन सच्चाई तो ये है कि खुद कार्टिया को भी पीटर के बारे में कुछ नहीं पता। कार्टिया को पीटर का चेहरा तो याद है, पर वो तो ये तक नहीं जानती कि वो उसकी खुद की बेटी है। उसके दिमाग में पीटर की कुछ पुरानी यादें हैं और उसकी एक धुंधली तस्वीर भी है, और इस तस्वीर के अलावा वो इस दुनिया में और किसी को नहीं जानती। हालांकि कार्टिया भी कोई आम लड़की नहीं है, क्योंकि पीटर ने उसके डीएनए में भी कुछ बदलाव किए थे, जिसके कारण कार्टिया के पास भी कुछ अनोखी शक्तियां हैं। उसका दिमाग ऐसी बातों और चीजों को सेंस कर सकता है, जो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। अगर आसान शब्दों में कहें तो कार्टिया के पास टेलीकिनेसिस की शक्तियां हैं, जिससे वो अपने आसपास हो रही चीजों को सेंस कर सकती है और किसी भी चीज को छूकर उसके पास्ट और फ्यूचर का अंदाजा लगा सकती है। अब इधर 47 भी जर्मनी पहुंच गया और कार्टिया की फोटो को जर्मनी के डेटाबेस में डालकर उसकी पूरी कुंडली निकाल ली। अब कार्टिया का एड्रेस मिलते ही 47 ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और फौरन उसके घर की ओर निकल गया। इधर जब कार्टिया नींद में होती है, तो उसे अपने आसपास खतरे का आभास होता है। वो सपने में 47 को देखती है, जो तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा था। ये देखते ही वो फौरन जाग उठी और कुछ जरूरी सामान को अपने पर्स में डालकर बिल्डिंग की खिड़की से भाग निकली। इधर जब 47 कार्टिया के कमरे में पहुंचा, तो उसे वहां कोई नहीं मिला। लेकिन तभी उसे एक मैप दिखाई दिया और इस मैप को पढ़कर वो समझ गया कि जरूर कार्टिया रेलवे स्टेशन पर गई है। इधर स्टेशन पर कार्टिया की मुलाकात सिंडिकेट एजेंट जॉन से होती है, जो उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है। ये वही एजेंट था जिसे सिंडिकेट कंपनी के मालिक ने कार्टिया को किडनैप करने भेजा था। यहाँ जॉन कार्टिया से कहता है कि तुम जिस आदमी से बचकर भाग रही हो, वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 47 से बचा लूंगा और उस आदमी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रही हो, यानी कि डॉक्टर पीटर। लेकिन अभी कार्टिया कुछ कह पाती कि तभी 47 वहां पहुंच गया और इन दोनों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। यहां जॉन ने 47 पर हमला कर दिया और ये दोनों ट्रेन के ट्रैक पर जा गिरे। ये दोनों काफी देर तक ऐसे ही लड़ते रहे, लेकिन फिर जॉन ने मौका देखकर 47 को चकमा दे दिया और कार्टिया को लेकर वहां से फरार हो गया। ये दोनों स्टेशन के बाहर निकले और एक टैक्सी पकड़कर यहां से भागने लगे। लेकिन अभी ये दोनों यहां से निकल पाते कि तभी 47 ने ड्राइवर को एक हेडशॉट देकर उसे मौत की घाट उतार दिया। अब ये दोनों फटाफट गाड़ी से बाहर निकले और पैदल चलकर वहां से भागने लगे। काफी दूर चलने के बाद जब इन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो 47 अब भी उनका पीछा कर रहा था। तभी जॉन को एक US एम्बेसी दिखाई दी और ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो कार्टिया को लेकर एम्बेसी के बाहर पहुंचा और अपनी बंदूक निकालकर हवा में गोलियां चलाने लगा।
ये देखकर यूएस सोल्जर्स ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें एम्बेसी के अंदर ले गए। दरअसल ये जॉन का प्लान था ताकि वह यूएस एम्बेसी के अंदर जा सके, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि 47 इस बिल्डिंग के अंदर तो नहीं आएगा। इधर एम्बेसी का एक ऑफिसर काटिया से पूछताछ करने लगा, पर तभी काटिया को यह सेंस हुआ कि 47 भी इस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो चुका है। इधर 47 एक बड़ा सा बैग लेकर बिल्डिंग में एंटर हुआ और जब गार्ड्स ने इस बैग को स्कैन किया तो उन्हें अंदर से एक स्नाइपर राइफल और ढेर सारी गोलियां मिली। इसके बाद 47 को गिरफ्तार करके उसे इंटरोगेशन रूम में लाया गया, जहां एक सीनियर ऑफिसर ने उससे यहां आने की वजह पूछी, लेकिन कुछ बोलने के बजाय 47 ने अपनी बंदूक को हवा में उछालकर उसे फायर कर दिया और हथकड़ी को तोड़कर आजाद हो गया। इसके बाद उसने दोनों गार्ड्स को मार डाला और सीनियर ऑफिसर को बेहोश करके वहां से बाहर आ गया। इधर जॉन को भी 47 के आने की खबर लग गई, इसलिए वो कमरे का कांच तोड़कर बाहर आ गया और काटिया को लेकर यहां से निकल गया। इसके बाद इन्होंने पुलिस की गाड़ी चुराई और 47 से बचकर भागने लगे, लेकिन बदकिस्मती से 47 ने इन दोनों को देख लिया और इनके गाड़ी के नंबर को नोट कर लिया। इसके बाद वो एम्बेसी की छत पर पहुंचा और उस गाड़ी को ढूंढकर उस पर गोली चला दी, लेकिन खुशकिस्मती से 47 की ये गोली काटिया के हाथ में लगी और ये दोनों यहां से जिंदा बच निकले। अगले दिन जॉन ने काटिया को बताया कि डॉक्टर पीटर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अपने पिता हैं। आज से कई साल पहले उन्होंने इंसानों के दिमाग पर एक रिसर्च की और उन पर ना जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन जब सरकार को इस बात की खबर लगी तो पकड़े जाने के डर से वो रातों रात अपना देश छोड़कर फरार हो गए और उन्होंने तुम्हें भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उनके साथ रहकर तुम्हारी जान को भी खतरा था। इसलिए उन्होंने तुम्हारे दिमाग को मॉडिफाई करके तुम्हें टेलीकिनेसिस की शक्तियां दी ताकि तुम खुद के दम पर जिंदा रह सको। अब इन बातों को सुनकर काटिया ने फौरन अपना मैप निकाला और अपनी शक्तियों को यूज करके अपने पिता को ढूंढने की कोशिश की। तभी उसे कुछ झलकियां दिखाई दी और वो फौरन समझ गई कि फिलहाल उसके पिता कौन से देश में हैं। यहाँ जॉन काटिया से पूछता है कि तुमने अभी अभी अपनी झलकियों में क्या देखा, लेकिन अभी काटिया उसे कुछ बता पाती कि तभी 47 कमरे में एंटर हुआ और अपनी बंदूक की सारी गोलियां जॉन के सीने में उतार दी। इसके बाद उसने काटिया को बेहोश किया और उसे अपने कंधे पर उठाकर वहां से ले गया। कुछ घंटों बाद जब काटिया को होश आया तो वो एक चेयर से बंधी हुई थी और 47 उसके सामने खड़ा था। यहाँ 47 उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि सिंडिकेट के लोगों से बचाने आया हूँ। इस पर काटिया कहती है कि अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो कल रात तुमने मुझ पर गोली क्यों चलाई। इस पर 47 कहता है कि वो कोई गोली नहीं बल्कि एक GPS ट्रैकर था और उसी की मदद से मैं तुम्हें ढूंढ पाया। इसके बाद वो काटिया का हाथ पकड़ता है और ऐसा करते ही काटिया उस दिन की झलकियों को देखती है जब उसके पिता उसे लेकर भाग रहे थे और भागते भागते उन्होंने 47 को वहीं छोड़ दिया था। इसके बाद उसके पिता ने उसे भी छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि काटिया अपनी शक्तियों के दम पर सरवाइव कर लेगी। यहाँ 47 कहता है कि तुम भी मेरी तरह एक एजेंट हो और तुम्हारा नाम एजेंट 90 है और इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे दो गुना बेहतर हो। इतना कहकर 47 वहां से जाने लगा और जाते जाते काटिया के पीछे लगे एक बड़े से फैन को ऑन कर दिया। यहां उसने काटिया से कहा कि तुम अपनी बचपन की ट्रेनिंग को याद करो और रस्सी को खोलकर अपनी जान बचा लो। अब पहले तो काटिया थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर आंखें बंद करके उसने अपनी ट्रेनिंग को याद किया और थोड़ी मशक्कत के बाद वो इस रस्सी को खोलकर आजाद हो गई। इसके बाद वो कमरे से बाहर आई जहां 47 पहले से उसका इंतजार कर रहा था। यहां 47 ने काटिया से उसके पिता के बारे में पूछा, लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही सिंडिकेट के लोगों ने इन पर हमला कर दिया। यहां काटिया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके 47 को ये बताने लगी कि सिंडिकेट का कौन सा गार्ड कहां से आ रहा है और इस जानकारी के मुताबिक 47 एक एक करके सबको मारता गया। पर तभी अचानक से जॉन काटिया के सामने आ गया और ये देखकर काटिया पूरी तरह से हैरान हो गई। अब यहां ये खुलासा होता है कि जॉन की पूरी बॉडी टाइटेनियम की बनी है और इसलिए उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। यहां जॉन और 47 की लड़ाई हो गई और इस बार जॉन 47 पर भारी पड़ रहा था। उसने 47 की खूब धुनाई की और उसे जमीन पर गिराकर उस पर अपनी बंदूक तान दी। यहां काटिया ने भी एक बंदूक उठा ली और जॉन के पीछे मौजूद कमरे की खिड़की पर गोली मार दी। इस कमरे में एक बड़ा सा पंखा था और कांच के टूटते ही इस बड़े से पंखे ने कई गार्ड्स को अपने अंदर खींच लिया। हालांकि जॉन इस बार भी जिंदा बच गया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। इसके बाद 47 और काटिया बिल्डिंग के बाहर आ गए, जहां काटिया ने बताया कि फिलहाल उसके पिता सिंगापुर में मौजूद हैं। इसके बाद ये दोनों एयरपोर्ट की तरफ भागे ताकि फ्लाइट पकड़कर जल्द से जल्द सिंगापुर पहुंच सकें। इधर होश में आते ही जॉन ने काटिया का वो मैप देखा और तब उसकी नजर सिंगापुर पर गई, जिसे काटिया ने स्टिकर लगाकर हाईलाइट किया था। ये देखते ही वो पूरी कहानी समझ गया और सिंडिकेट के चेयरमैन को कॉल करके इसकी जानकारी दे दी। इधर चेयरमैन ने सिंगापुर के एयरपोर्ट सिक्योरिटी को कांटेक्ट किया और उनसे 47 और काटिया को ढूंढने को कहा। अब जब ये दोनों सिंगापुर पहुंचे तो 47 ने एक पायलट की यूनिफॉर्म चुरा ली और काटिया से कहा कि तुम सिक्योरिटी कैमरा से बचते हुए मुझे एयरपोर्ट के मेन गेट पर मिलो। काटिया ने भी ठीक ऐसा ही किया और सभी कैमरा से बचते हुए एयरपोर्ट के बाहर आ पहुंची। इसके बाद वो गाड़ी में बैठी और ये दोनों यहां से निकल गए। हालांकि काटिया एयरपोर्ट के कैमरा से तो बच निकली, लेकिन बाहर निकलते वक्त मेन गेट के कैमरे ने उसे कैप्चर कर लिया। इधर 47 और काटिया एक होटल में आकर रुके, जहां 47 अपनी बंदूक को सामने रखकर सो गया। इधर काटिया ने भी सोने की कोशिश की, लेकिन अपने पिता से मिलने की खुशी में उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने 47 की बंदूक उठा ली और उन्हें खोलकर साफ करने लगी।
इधर सिंडिकेट के लोगों ने इनकी लोकेशन का पता लगा लिया और अगली सुबह इन दोनों पर हमला कर दिया। अब चूंकि कार्टिया ने 47 की बंदूक को खोल रखा था, इसलिए उसे इन गुंडों को हाथों से मारना पड़ा। यहाँ 47 काफी गुस्सा हुआ और कार्टिया को आखिरी वार्निंग दी कि आगे से वो उसकी चीजों को हाथ न लगाए। इसके बाद ये दोनों होटल से निकलकर उस जगह पर जाने लगे जिसे कार्टिया ने अपनी झलकियों में देखा था। लेकिन जाने से पहले 47 ने कार्टिया को एक चाकू दिया ताकि वक्त आने पर वो अपनी रक्षा कर सके। अब सालों के इंतजार के बाद जब कार्टिया ने अपने पिता को देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल गए। यहाँ पीटर अपनी बेटी को देखकर खुश तो था, लेकिन उसने कार्टिया से कहा कि तुम्हें अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ कार्टिया ने उससे सवाल किया कि सालों पहले आपने मुझे मरने के लिए अकेला के छोड़ दिया और इतने सालों बाद भी आपने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। इस पर पीटर कहता है कि मैंने तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ा था क्योंकि मेरे साथ रहकर तुम्हारी जान को भी खतरा था और इसलिए मैंने तुम्हें टेलीकिनेसिस की शक्तियाँ दी ताकि तुम खुद के दम पर जिंदा रह सको। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी 47 पीटर के सामने आ गया। यहाँ पीटर को लगा कि शायद 47 उसे मार देगा, पर कार्टिया ने उसे बताया कि 47 उसके साथ है और वो उसे मारना नहीं चाहता। अभी 47 कुछ कहता कि तभी उसकी नजर सिंडिकेट के गार्ड्स पर गई। ये देखते ही उसने इन दोनों गार्ड्स को मार डाला और पीटर और कार्टिया को लेकर यहाँ से निकलने लगा। पर तभी इनके सामने जॉन आ गया और इनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अब यहाँ पीटर ने 47 को बाहर निकलने का एक दूसरा रास्ता बताया और ये सभी जैसे तैसे करके बिल्डिंग के बाहर आ गए। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही सिंडिकेट के गार्ड्स ने इनकी गाड़ी पर हमला कर दिया और केबल्स की मदद से कार को एक चौराहे पर रोक दिया। यहाँ 47 ने खुद को आजाद करने की काफी कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में वो गाड़ी से बाहर निकला और एक एक करके इन गार्ड्स को मारता गया, लेकिन गार्ड्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इन सभी ने यहाँ से भाग जाना ही बेहतर समझा। अब भागते भागते एक गोली पीटर के पैर में लग गई और वो फौरन जमीन पर गिर गया। यहाँ 47 ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन पीटर ने उन्हें यहाँ से भाग जाने को कहा। हालांकि कार्टिया इसके लिए राजी नहीं थी, पर अब इनके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए 47 कार्टिया को लेकर वहां से निकल गया और इधर सिंडिकेट के लोगों ने पीटर को बंदी बना लिया। इसके बाद पीटर को सिंडिकेट के ऑफिस लाया गया जहां जॉन ने उसे कुर्सी से बांधकर उससे हिटमैन एजेंट बनाने का फॉर्मूला पूछा। लेकिन जब पीटर ने उसे कुछ नहीं बताया तो जॉन ने उसकी बॉडी में एक केमिकल का इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन के लगते ही पीटर को काफी तेज दर्द हुआ और उसके दिल की धड़कन भी काफी बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद भी वो चुप रहा और जॉन को फॉर्मूला बताने से साफ इनकार कर दिया। इधर दूसरी तरफ 47 ने बिल्डिंग के कैमरास को हैक कर लिया और अंदर की सभी चीजों को मॉनिटर करने लगा। यहाँ उसने एक प्लान बनाया और फायर ब्रिगेड को कॉल करके ये झूठी खबर दी कि सिंडिकेट के ऑफिस में आग लग चुकी है। इसके बाद उसने बिल्डिंग के स्पीकर्स को यूज करके सिंडिकेट के चेयरमैन को ये ऑफर दिया कि अगर तुम पीटर को छोड़ दो तो मैं तुम्हें बदले में कार्टिया दूंगा। कार्टिया पीटर की बनाई गई सबसे बेस्ट एजेंट है और उस पर रिसर्च करके तुम अपने सभी सवालों के जवाब पा सकते हो। अब चेयरमैन को भी ये आइडिया पसंद आया और उसने 47 से हेलीपैड पर लैंड करने को कहा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि हेलीकॉप्टर में सिर्फ कार्टिया मौजूद है। यहाँ कार्टिया ने लैंड करने के बजाय हेलीकॉप्टर को सीधा बिल्डिंग में घुसा दिया, जिससे सिंडिकेट के कई गार्ड्स की मौत हो गई। इधर 47 की बुलाई फायर ब्रिगेड भी बिल्डिंग तक पहुंच गई और 47 भी एक फायर फाइटर बनकर बिल्डिंग में एंटर हो गया। इधर कार्टिया भी अपने हिटमैन मोड में आ गई और एक एक करके सभी गार्ड्स को मारती गई। ये देखकर जॉन और बाकी गार्ड्स ने चेयरमैन को एक सेफ कमरे में पहुंचाया, लेकिन अपना 47 तो यहाँ पहले से मौजूद था। उसने जॉन को देखते ही उस पर गोली चला दी और यहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अब चूंकि जॉन पर गोलियों का असर नहीं हो रहा था, इसलिए 47 ने उसे एक इलेक्ट्रिक वायर से बांध दिया और बिल्डिंग की सारी बिजली उसकी बॉडी से गुजार दी। आखिरकार ये तरकीब काम कर गई और फाइनली जॉन का अंत हो गया। अब इधर कंपनी का चेयरमैन पीटर को लेकर यहाँ से भागने लगा और ये देखकर 47 और कार्टिया भी उसका पीछा करने लगे। यहाँ गार्ड्स ने इन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन ये दोनों एक एक करके सबको मारते गए। पर जब तक ये दोनों ऊपर पहुंचे, तब तक चेयरमैन पीटर को लेकर यहाँ से उड़ चुका था। यहाँ चेयरमैन ने पीटर से कहा कि वो बहुत जल्द वापस आएगा और कार्टिया को ढूंढकर इस एजेंट प्रोग्राम को दोबारा शुरू करेगा। अब ये सुनकर पीटर काफी परेशान हो गया और अपनी बेटी को बचाने के लिए एक फैसला लिया। उसने अपनी जेब से एक अस्थमा का पंप निकाला जो कि असल में एक बॉम्ब था। पीटर ने कार्टिया को आखिरी बार गुड बाय बोला और बिना कुछ सोचे इस बटन को दबा दिया। ऐसा करते ही हेलीकॉप्टर में जोरदार धमाका हो गया और चेयरमैन के साथ साथ पीटर भी मारा गया। अब ये देखकर कार्टिया पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि जिस पिता को वो इतने सालों से ढूंढ रही थी वो उसकी आंखों के सामने जलकर खाक हो गया। पीटर ने ऐसा इसलिए किया ताकि कार्टिया की जान बची रहे और हिटमैन प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू न हो सके। तभी 47 की बॉस ने उसे कॉल किया और इस प्रोजेक्ट को जड़ से खत्म करने के लिए कार्टिया को जान से मारने का हुक्म दिया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि 47 का असली मिशन तो पीटर को मारना था और इसी ने उसकी जेब में वो पंप डाला था। हालांकि 47 ने कार्टिया को मारने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने पीटर से वादा किया था कि वो कार्टिया की रक्षा करेगा। इसलिए उसने अपने फोन को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो गई। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।